एक बार एक बहुत ही बुद्धिमान, आध्यात्मिक और जिज्ञासु युवक था। दोस्तों, इस युवक को अपने ज्ञान के ऊपर बहुत नाज था, बहुत गर्व था, क्योंकि इस युवक को काफ़ी सारे ग्रंथों की, काफ़ी सारे शास्त्रों की बहुत गहन में जानकारी थी। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी जानकारियाँ, सब नॉलेज इसने रटी हुई थी। दोस्तों, पिछले कुछ समय में आसपास के इलाकों में जितनी भी ज्ञान की वाद विवाद प्रतियोगिताएं हुई, सारी की सारी प्रतियोगिताएं इस युवक ने जीती थी। और ये चाहता था कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता जाऊं और इसी तरह से सारी की सारी प्रतियोगिताएं जीतता जाऊं। दोस्तों, एक बार इनको कहीं से पता लगा कि दूर गाँव में, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है, उस गाँव में एक पुराने जैन मास्टर रहते हैं, एक वृद्ध जैन मास्टर रहते हैं जो काफ़ी समय से जैन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनका आसपास के क्षेत्रों में, इलाकों में बहुत सम्मान था, बहुत रेस्पेक्ट था। तो दोस्तों, इस युवक ने अपना मन बनाया कि मैं उन जैन मास्टर के पास जाऊँगा और जा कर के उनसे मैं जैन का ज्ञान सीखूँगा और उनके साथ में अपने ज्ञान को लेकर के वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी करूंगा। दोस्तों, इस युवक ने अपना मन बनाया और अपने घर से चल दिए। देखिए, उस ज़माने में हवाई जहाज़ होती नहीं थी, फास्ट ट्रेन्स होती नहीं थी, एक्सप्रेस बसेस होती नहीं थी, तो ये अपने लोकल साधनों से जैसे तैसे करके कुछ दिनों में इस जैन मास्टर के घर पर पहुँचा। इस युवक ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, कुछ ही पलों में ये दरवाज़ा खुला और इस युवक ने पाया कि उसके सामने एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए हैं और उसके सामने देख करके मुस्कुरा रहे हैं। उस वृद्ध व्यक्ति ने इस युवक का स्वागत किया और युवक ने अपनी इच्छा जाहिर की कि यहाँ पर एक जैन मास्टर रहते हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। दोस्तों, जैन मास्टर ने कहा, जी मुझे ही लोग जैन मास्टर कहते हैं, हालांकि मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे लोग जैन मास्टर कहते हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। दोस्तों, ये सुन करके एक बार तो इस युवक को विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या यही जैन मास्टर हैं, क्योंकि वो बहुत साधारण दिखने वाले थे, घर भी बहुत साधारण सा था और जहाँ वो बैठते थे वो सीट भी बहुत साधारण सी ही थी। दोस्तों, लेकिन फिर भी इस युवक ने उनसे कहा, देखिए मुझे आपसे जैन की नॉलेज लेनी है, जैन का ज्ञान लेना है। और उन छोटे छोटे उत्तरों से वो युवक सेटिस्फाइड नहीं था और वो युवक जो है थोड़ी ही देर में इरिटेट हो गया और युवक ने कह ही डाला, देखिए मैंने आपके बारे में बहुत सुना था और ये सब सुन करके मैं आपसे ज्ञान लेने के लिए आया था, लेकिन आपके जवाबों को सुन करके मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं सीख पाऊँगा, क्योंकि अभी तक पिछले आधे घंटे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने आपसे कुछ भी नहीं सीखा है। देखिए, आप अच्छे से किसी शास्त्र को शायद जानते नहीं हैं या आप मुझे बता नहीं रहे हैं। दोस्तों, ये सुन करके जैन मास्टर का संदेह एकदम पक्का हो गया और जैन मास्टर को लगा कि अब इनको अलग तरीके से समझाना होगा। तो जैन मास्टर ने अपने सेवक की तरफ इशारा किया और सेवक चाय की केतली और कुछ कप लेकर के आया। अब देखिए, उन्होंने केतली और कप टेबल के ऊपर, जहाँ पर वो बैठे थे आमने सामने, बीच में जो टेबल थी उसके ऊपर रख दिए और जैन मास्टर ने वो चाय की केतली उठा करके इस स्टूडेंट के, इस युवक के कप में चाय उड़ेलना शुरू कर दिया। और जैसे ही कप भरा, उसके बाद भी जैन मास्टर रुक नहीं रहे थे, वो चाय उड़ेले ही जा रहे थे, डाले ही जा रहे थे। और चूंकि अगर भरे हुए कप में आप चाय डालेंगे तो वो चाय नीचे ही गिरेगी और नीचे फैल जाएगी। ये देख करके युवक ने कहा, अरे आप देख नहीं रहे, आपको दिखाई नहीं देता, ये कप ऑलरेडी भर चुका है, इसके अंदर और चाय नहीं आ सकती। देखिए, जैसे ही युवक ने ऐसे कहा, इन जैन मास्टर ने चाय उड़ेलना बंद कर दिया और कहा, देखिए आप सच कह रहे हैं, जब तक इस कप में ऑलरेडी चाय है, इसमें नई चाय नहीं डाली जा सकती, इसमें नई चाय डालने के लिए इस कप को पहले खाली करना होगा। और इसके बाद जैन मास्टर ने इस युवक से आगे कहा, देखिए हमारा दिमाग भी एकदम इसी कप की तरह से है, उसमें भी हम ज्ञान डालते हैं, हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, फैक्ट्स डालते हैं, और ये ज्ञान उसमें तब तक डलता है जब तक उसमें जगह होती है। और जब ये कप भर जाता है तो हमें कप खाली करने की ज़रूरत है, जब तक कप खाली नहीं होगा आप उसमें नई चाय नहीं डाल पाएंगे। दोस्तों, कितना गहन ज्ञान है, कितना गूढ़ रहस्य इन जैन मास्टर ने इस युवक को बता दिया। देखिए, हमारे सबके दिमाग उस चाय के कप की तरह होते हैं और हमारे पास बहुत सारा ज्ञान होता है। देखिए, हम बचपन से, जब से पैदा हुए हैं तब से इन्फॉर्मेशन्स कलेक्ट कर रहे हैं, ज्ञान कलेक्ट कर रहे हैं, अपने संस्कार इकट्ठे कर रहे हैं। और दोस्तों, जब तक वो संस्कार, वो ज्ञान, वो इन्फॉर्मेशन हमारे इस कप में भरे हुए हैं, तब तक हम नए संस्कार, नया ज्ञान या नई इन्फॉर्मेशन या नए फैक्ट्स, नया डेटा इसके अंदर नहीं डाल सकते। देखिए, हम लोगों को या तो अपने कप का साइज़ बढ़ाना होगा या
फिर ऑलरेडी इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन डली हुई है, जिस तरह के संस्कार डले हुए हैं, जो ज्ञान डला हुआ है, उसको हमें खाली करके नए ज्ञान के लिए जगह बनानी होगी। देखिए दोस्तों, ये जो वक्त है, आज का वक्त, ये सिर्फ लर्न करते जाने का नहीं है, ये अनलर्न करके रीलर्न करने का वक्त है। देखिए, पुराने तरीकों से आज आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको नए नए तरीके सीखने होंगे, और नए नए तरीके सीखने के लिए दोस्तों आपको पुराने तरीकों को भुलाना होगा, या फिर अगर आप भुला नहीं सकते तो कम से कम उन तरीकों से काम करना छोड़ना होगा, नए तरीके अपने को अपनाने होंगे। दोस्तों, ये कहानी जो है बहुत कमाल की कहानी है, और ये कहानी मुझे हमेशा एक स्टूडेंट बने रहने की शिक्षा देती रहती है, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहने के लिए याद दिलाती रहती है। देखिए, आपने देखा होगा हर तरह की ट्रेनिंग्स में, हर तरह की क्लासेस में, हर तरह के जॉब में, किसी भी एक्सपीरियंस में सिर्फ वही लोग ज़्यादा सीख पाते हैं और वही लोग ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं जिनका कप खाली होता है, जिनका कप ऑलरेडी भरा हुआ होता है, उनको आप कुछ सिखा नहीं सकते। देखिए, दोनों तरीके से मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा लगा एक्सपीरियंस होने के बाद कि शायद मेरा कप भरा हुआ था, इसलिए मैं इस अनुभव से, इस एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीख। और अदर वे राउंड तो दोस्तों बहुत बार हुआ है, और पूछने के बाद भी दोस्तों अगर मैं कुछ बता रहा हूँ किसी को और बीच में मुझे एहसास हुआ कि इनका कप भरा हुआ है, तो मैं अपने डिस्कशन को डाइवर्ट कर देता हूँ और ज़्यादा नहीं बताता हूँ उस चीज़ के बारे में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही कमाल की कहानी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस कहानी को हम सबको याद रखना चाहिए। और देखिए, आज के ज़माने में अगर हमें खुश रहना है, अगर हमें ग्रो करना है, तो सीखने की बहुत ज़रूरत है। हर दिन नए नए चेंजेस टेक्नोलॉजी में आते हैं, हर दिन नए नए चेंजेस प्रोसेसेस में आते हैं, हर दिन नए नए चेंजेस हमारे काम करने के तरीकों में आते हैं। देखिए, 2 महीने पहले तक जो दुनिया फिजिकल होती थी, वो दुनिया आज वर्चुअल हो गई है, और हमें ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आप यही एग्जांपल देते रहेंगे कि देखिए 3 महीने पहले तो हम ऐसे करते थे, तब तो हमारी मीटिंग ऐसे होती थी, तब तो हम इस तरीके से काम करते थे, तब तो सुबह 8 बजे ऑफिस पहुँचा जाता था, अगर वही एग्जाम्पल्स आप देते रहेंगे दोस्तों, तो फिर आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, लर्निंग माइंडसेट नहीं है, या फिर मैं कहूँ ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। और जब तक ग्रोथ माइंडसेट दोस्तों हमारा नहीं होता, तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें। दोस्तों, कई बार हमारी सफलता मेहनत का फंक्शन नहीं होती, मेहनत से पहले माइंडसेट का फंक्शन होती है। अगर हमारा ग्रोथ माइंडसेट है तो कम मेहनत में भी हम आगे जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, हमारा कप ऑलरेडी भरा हुआ है, तो चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें और आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए दोस्तों, चलिए हम सब लोग अपने भरे हुए कप को खाली करते हैं और नया ज्ञान भरने में जुट जाते हैं, नया ज्ञान भरने की कोशिश में लग जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप जानते ही हैं क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये कहानी जो है इसको लाइक करना है, और उसके बाद इस कहानी को शेयर करना है। और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू इट नाउ, बिकॉज आने वाले कुछ टाइम में बहुत एक्साइटिंग वीडियोस यहाँ पर लाइंड अप हैं। अगले 40 दिनों में मैं आपके सामने 40 कमाल के वीडियो लाऊंगा, उसमें से कुछ वीडियोस ऐसे होंगे जो लाइफ चेंजिंग वीडियोस कहे जा सकते हैं, इसलिए आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। देखिए, आपको सिर्फ क्लिक क्लिक करना है, सब्सक्राइब क्लिक एंड बेल आइकन क्लिक, उसके बाद मेरे सारे के सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, और आप उसको देख करके एनरिच हो सकते हो, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो, और अपने मेहनत करने का जो मोटिवेशन है उसको भी काफ़ी ऊँचाइयों तक लेके जा सकते हो, जिसके साथ साथ आपकी सफलता भी नए आयाम छुएगी। दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।